नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे सबसे आसान तरीके से नवरात्र पर खूबसूरत सा चित्र बनाना। यहाँ पर आपको एक ऐसे गोलाकार ले लेना होगा, इसकी मदद से हम एक सर्कल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे नीचे बनाइएगा, यहाँ पर आपको बीचों बीच में एक बड़ा सा सर्कल बना देना होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बड़ा सा आप सर्कल बना लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ से देखिएगा, इधर से यूँ एक ऐसे आर्क लगाना है, एक इधर भी आप लगा देंगे, यहाँ से जैसे आप उधर लगाएंगे इसी तरह सेम इधर भी लगाइएगा। इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ घुमाना होगा। ये वाला भी पोर्शन आप आसानी से ऐसे अंदर के साइड में घुमा देंगे। घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको डबल करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करिए डबल, यहाँ पर भी करिएगा डबल, और इसको हमें ऐसे बाहर के साइड में ले जाते हुए यहाँ पर मिलाना है, इधर भी ऐसे करना है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से करिएगा, इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ तक मिला दीजिए। सेम प्रोसेस आप दोस्तों इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, इसको बाहर के साइड में ले जाते हुए यहाँ से इधर आपको मिलाना होगा। मिलाने के बाद इधर से यूं करिए, यहाँ से भी आप ऐसे सेम रिपीट कर देंगे। अब दोस्तों हमें नीचे के साइड में ही इस मोर का पंख बना देना है। एक इधर ऐसे बड़ा सा बनाइए, फिर एक यहाँ पर बना देंगे, एक यहाँ पर भी बना दीजिएगा। सेम आप ऐसे नीचे के साइड में रिपीट करते जाइएगा। अगर आपके पास स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों तो आप इससे बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे करिए, ये बीच में जो पंख बना रहता है इसको भी बना दीजिएगा, यहाँ पर सेम आप रिपीट कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक कलश बनाना है। कलश बनाने के लिए यहाँ पर बीचों बीच में एक ओवल शेप बनाना है। पहले ऐसे एक ओवल शेप बना दीजिएगा, ये हो जाएगा। ओवल शेप बनाने के बाद हल्का सा इसको आप अंदर करेंगे, इधर इधर भी ऐसे अंदर करिएगा और यहाँ से ऐसे मिलाइए। ये वाला भी पोर्शन आपका ऐसे जाएगा और इधर कर दीजिएगा डबल। दोस्तों डबल हो जाने के बाद यहीं पर एक नारियल बनाना होगा। इधर से ऊपर यूं ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा, हल्का सा बाहर करेंगे, इधर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे और इधर से लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो ये हमारा एक नारियल बन जाएगा। नारियल बनाने के बाद इधर आप ऐसे आम की पत्तियां बना देंगे, दो पत्ती इधर, दो पत्ती आप इधर भी बना दीजिएगा ऐसे। तो ये कलश बन गया। नीचे के साइड में भी छोटे छोटे ऐसे आर्क लगाते जाइएगा, इसको कर दीजिएगा दोस्तों ऐसे डबल। डबल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको वी लेटर लिखना है, एक वी इधर लिखिएगा, ऐसे इसका आई बना देंगे, इधर लाइन ड्रॉ करके छोटा छोटा सर्कल बनाइए। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा चित्र बन रहा है नवरात्र पर, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद ऊपर के ही साइड में आप ऐसे सी लेटर लिखिए, इधर एक लिखिएगा, एक यहाँ पर हम लिखेंगे, एक इधर ऐसे लिख देंगे, चार लिख दीजिएगा। फिर इसको इधर से ऐसे डबल करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे डबल कर दीजिएगा। देखिए ऊपर वाले सिरे को डबल कर देंगे, इधर से दिए को हम ऐसे जला देंगे और यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर ऊपर के साइड में लिखना है आपको हैप्पी नवरात्र। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।